देख रहा था उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मुंह में घी सक कर, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था एक तिहाई सरकार, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है, एक तिहाई हुआ है, एक तिहाई हुआ है, 2 तिहाई बाकी है। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों के अखंड एक निष्ठ अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भर करके समर्थन दिया है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगा दी। आदरणीय सभापति जी, संविधान के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सदन के लिए भी ये पड़ाव विशेष है, क्योंकि इसे भी 75 साल हुए हैं, और इसलिए एक सुहग संयोग है। आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहे हैं। और उसका कारण बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसने हम जैसे लोगों को अवसर दिया है। और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है, और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई तो तीसरी बार आने का मौका मिल गया। आदरणीय सभापति जी, संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे याद है मैंने जब
लोकसभा में हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मैं हैरान हूं जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं, उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है तो संविधान दिवस क्यों लाए। और आज संविधान दिवस के माध्यम से देश के स्कूल कॉलेज में संविधान की भावना को, संविधान की रचना में क्या भूमिका रही है, देश के गणमान्य महापुरुषों ने संविधान के निर्माण में किन कारणों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय किया, किन कारणों से कुछ चीजों का स्वीकार करने का निर्णय किया, इसके विषय में हमारे स्कूल कॉलेज में विस्तार से चर्चा हो, निबंध स्पर्धाएं हो, चर्चा सभाएं हो, एक व्यापक रूप से संविधान के प्रति आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो, देशवासियों के लिए आने वाला पूरा कालखंड संविधान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे, इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं। और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रूप में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का तय किया और इसे देश के कोने कोने में संविधान की भावना को, संविधान के पीछे जो मकसद है उसके विषय में भी देश को अवगत कराने का प्रयास है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो अवसर दिया है वो अवसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, ये चुनाव 10 वर्ष की सिद्धियों पर तो मोहर है ही, लेकिन ये चुनाव भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना, क्योंकि देश की जनता का एकमात्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों को, संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हमें अवसर दिया। आदरणीय सभापति जी, देश भली भांति जानता है, देश ने पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचाने में सफलता पाई है और जैसे जैसे नंबर निकटता की सिद्धि की ओर पहुंचता है, एक की तरफ पहुंचता है, तो चुनौतियां भी बढ़ती है और कोरोना के कठिन कालखंड के बावजूद संघर्ष की वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भी
तनाव के वातावरण के बावजूद भी हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से आज विश्व में 5 नंबर पर पहुंचाने में सफल हुए हैं। इस बार देश की जनता ने हमें 5 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के टॉप 3 में पहुंचा के रहेंगे। मैं जानता हूं आदरणीय सभापति जी, यहां कुछ ऐसे विद्वान है जो ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ये तो होने ही वाला है, ये तो अपने आप 3रे नंबर पे पहुंचने वाली है, ये तो अपने आप हो ही जाएगा, ऐसे विद्वान है। अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पे सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदि है, इसलिए वो कुछ करना धरने में विश्वास नहीं करते हैं, वो कुछ करने धरने में विश्वास नहीं करते हैं, वो इंतजार करना जानते हैं। लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं रखेंगे। आने वाले वर्षों में पिछले 10 वर्षों में हमने जो किया है उसको गति भी बढ़ाएंगे, उसका विस्तार भी बढ़ाएंगे और गहराई भी होगी, ऊंचाई भी होगी और हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, चुनाव के दरमियान मैं देशवासियों को कहता था कि जो 10 साल हमने काम किया है, हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो ये एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो अभी शुरू हुआ है। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के और हम एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ, गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। और इसलिए आने वाले 5 साल
गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष हैं और यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा। ये पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा तो इसका लाभ, इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के, विस्तार के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे तब भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होने वाला है। आदरणीय सभापति जी, हम आने वाले कालखंड में नए स्टार्टअप्स का, नई कंपनियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आने वाले कालखंड में हमारे टियर 2 टियर 3 सिटीज भी ग्रोथ इंजन की भूमिका में देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, ये शताब्दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है और इसलिए हम कई नए सेक्टर्स में नए फुटप्रिंट्स भी अवश्य रूप से देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है और इसका लाभ भारत के कोटि कोटि जनों को जल्द से जल्द मिले, उस दिशा में हम गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, भारत की विकास यात्रा में हमारे छोटे शहर, चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे पेटेंट की रजिस्ट्री हो, मैं साफ देख रहा हूं कि हमारे छोटे छोटे शहर, हजारों की तादाद में ऐसे शहर भारत में एक विकास का नया इतिहास गढ़ने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है कि भारत के विकास यात्रा में 4 प्रमुख स्तंभ, उसका सशक्तिकरण, उनको अवसर, ये बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरीब, हमारे देश के युवा और हमारे देश की नारी शक्ति, आदरणीय सभापति जी, हमने हमारी विकास यात्रा में हमारा जो फोकस है उसको हमने रेखांकित किया है। आदरणीय सभापति जी, यहां भी कई साथियों ने खेती,
और किसानी को लेकर के हर एक ने विस्तार से अपने विचार रखे हैं और अनेक बातें सकारात्मक रूप से भी रखी है। मैं किसानों को लेकर सभी सदस्यों को और उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। बीते 10 वर्ष में हमारी खेती हर प्रकार से लाभकारी हो, किसान को लाभकारी हो, उस पर हमने हमारा ध्यान केंद्रित किया है और अनेक योजनाओं से उसको हमने ताकत देने का प्रयास किया है। चाहे फसल के लिए ऋण हो, लगातार नए बीज किसानों को उपलब्ध हो, खाद की कीमत उचित हो और फसल बीमा का लाभ पहले की सारी मुसीबतें दूर कर करके किसानों को सरलता से उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की। चाहे एमएसपी पर खरीद की बात हो, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके किसानों को लाभ पहुंचाया। एक प्रकार से बीज से बाजार तक हमने किसानों के लिए हर व्यवस्था को बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर बरसक प्रयास किया है और व्यवस्था को हमने चाक चौबंद किया है। आदरणीय सभापति जी, पहले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन पाना करीब करीब न के बराबर था, बहुत मुश्किल था, जबकि उनकी संख्या सबसे अधिक आज हमारी नीतियों के कारण, किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार के कारण। आदरणीय सभापति जी, हमने किसानी को एक व्यापक स्वरूप में देखा है और उस व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का हमने लाभ मुहैया कराया है और इसके कारण हमारे किसानों का खेती के काम को, उसके विस्तार को भी मजबूती मिली है, उस दिशा में भी हमने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल पीटे गए और एक बढ़ चढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने का बरसक प्रयास किया गया था। और 60,000 करोड़ की कर्ज माफी, उसका इतना हल्ला मचाया था और एक अनुमान था कि उसके लाभार्थी शरीफ देश के 3 करोड़ किसान थे, सामान्य गरीब छोटे किसान का तो
उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय में केंद्र में हो तो नीतियां कैसी बनती हैं, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान। मुझे नियमों के हिसाब से चलना होगा, आपको नियमों की जानकारी है और ये आचरण सही नहीं है। मैं इसकी असंसदीय आचरण की भर्त्सना करता हूँ और मैं आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि अपने स्थान पर बैठ जाएं, ये आचरण सही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक एवं मर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है, 6 दशक के बाद। मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो,
जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन, यह ऐसा अवसर है जहां उन्होंने भारत के संविधान को चुनौती दी, उन्होंने भारत के संविधान की भावना को आहत किया है, उन्होंने जो शपथ ली थी उसकी भी अवमानना की है। कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक, भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी।